वर्ल्ड ऑफ मैथम बेसिक क्वेश्चन विच केम इन द प्री आर एमओ रीजनल मैथ ओलम्पियर्ड का जो पहला रीजन होता है कि अच्छा तो सिलेक्शन हो उसमें क्वेश्चन आया बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आई वॉन्ट टू से प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉ दिस क्वेश्चन आई होप अपने वीडियो पॉज की होगी क्वेश्चन को समझा होगा क्वेश्चन सोल्व किया होगा क्वेश्चन में क्या है डेल्टा इज डिनोटेड एस समिजिट डेल्टा क्या है सम ऑफ डिजिट पहले इस वैल्यू दैट इज फाइव टू वन थ्री का सम ऑफ डिजिट निकालो वी कॉल्ड इट पहले इसका सम ऑफ डिजिट निकालो जो भी नंबर आएगा फिर उसका सेकंड निकालो जो भी नंबर आएगा उसका सेकंड ऑफ मुझको बताओ फाइनली वैल्यू क्या है फर्स्ट वी ऑफ डिजिट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जनरली जब भी क्वेश्चन दिखे जाते हैं कि वी हैव ऑफ डिजिट्स तो जब भी आपके पास सम ऑफ डिजिट्स होता है तो सम ऑफ डिजिट का एक ही मतलब होता है रिमाइंडर बाई नाइन बिकॉज नाइन ही एक ऐसा ऑपरेटर है इन द रिमाइंडर थ्योरम ऑन द सम ऑफ डिजिट्स मतलब सम ऑफ डिजिट्स का मतलब नाइन तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे जो पता चला है वो सम ऑफ डिजिट्स है तो इस जो क्वेश्चन है हमारा वी नीड टू फाइंड वट इज द रिमाइंडर फाइव फ्रेंस टू पावर टू जीरो वन थ्री डिवाइडेड बाई नाइन अब इसको आप दो तीन टाइप से सॉल्व कर सकते हो मैं पहला यूर ट्वाइटेंट मेथड से सॉल्व करता हूं कैसे होते हैं तो द साइकिल और मैं इसे से से डिवाइड करूंगा सिंस छोटा है तो रिमाइंडर फाइव मिलेगा अगर आप इसे सिक्स से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर थ्री मिलेगा दैट इज वन ट्वेंटी एट इज मोर देन नाइन हमें इसको एड सॉरी नॉट वन टी फाइव दिस इज वन ट्वेंटी फाइव एंड

मैं लिख सकता हूं फाइव रेस्ट टू पावर टू जीरो सिक्स सेवन वन वेन वी नीड टू डिवाइड दिस बाई द नाइन जब हम इसे नाइन से डिवाइड करना है तो वी कैन से फाइव क्यूब इज इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव ये क्या होता है वन ट्वेंटी फाइव रिमाइंडर एट या माइनस वन देता है का मतलब एट रिमाइंडर होगा यह आंसर है तो कभी भी आपको सम ऑफ डिजिट निकालने की जब भी जरूरत पड़ती है बहुत बार मल्टीपल समिजिट निकालने की जरूरत पड़ती है तो यू नीट टू फाइंड रिमाइंडर बाई नाइन अब आप बोलोगे सम ऑफ डिजिट सिंगल डिजिट तक कैसे होगा मैंने कहा कि बट ये सिंगल डिजिट पर लाई करें हो सकता है ये डबल डिजिट नंबर हो लाइक सेवन वन हो सकता है बी इट्स अ सिंगल सिंगल डिजिट डिजिट नंबर नंबर अब मैं आपको ठीक है दिस मीज वॉग टेन फाइव रेज टू पावर टू वन थ्री इज वट दिस वन इज पॉइंट सेवन अप्रोक्स इन टू टू जीरो वन थ्री तो दिस वन इज समथिंग कॉल्ड अगर आप इसको करोगे तो दिस वुड बी ट्वेंटी वन कुड पॉइंट वैल्यू भी जो आएगा सेवन नाइन जीरो फोर सो ये समथिंग लाइक दिस जाएगा वन फोर जीरो नाइन यू कुड से वन फोर जीरो नाइन तो कभी भी अगर आप लॉग निकालते हो किसी भी नंबर्स का दिस वन या वैल्यू जैसे आपसे अगर बोला जाए लॉग हंड्रेड बेस्ड टेन इज वॉट टू तो जो भी आपका इंटीग्रियर वैल्यूज होता है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं इफ़ द टू इज द दैट इज मेंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वी है मोरलेस तो so हो सकता है सिक्स हो, हो, हो या इलेवन हो दिस इज फोर्टीन हंड्रेड टेन डिजिट नंबर आई होप यहां तक क्लियर है वट डू माई डिजिट नंबर क्योंकि मैंने डिजिट्स निकाले अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आखिर ये जो प्रोसेस किया है आपको किस चीज के लिए आगे ले जाने को किया है तो ये मेरा जो क्वेश्चन था अब मैं आपको बताता हूं कि फाइव टू वन थ्री इज अप्रॉक्स मान लो फोर्टीन हंड्रेड टेन डिजिट है इसमें यह बहुत बड़ा नंबर है जिसमें इतने डिजिट है वर्स्ट सीनारियो में समेशन ऑफ डिजिट कितना आ सकता है वर्स्ट मैंने कहा कि अगर मैं वर्स्ट सीनारियो में पहला सम ऑफ डिजिट्स निकाल

एट कुछ डिजिट्स होगा अगर मैंने इसका पहली बार सम ऑफ डिजिट्स निकाला तो जो पहला, समेशन होगा, ये पता है। पहला समेशन होगा। जब मैंने दूसरी डिजिट नंबर ही देगा ये तो मुझको पता है मुझको हंड्रेड परसेंट पता है कि डबल डिजिट नंबर ही देगा हाउ कम्स बिकॉज ये सबके सब अगर मैं नाइन भी मान लेता हूं तो ये फोर्टी फाइव देगा डबल डिजिट नंबर ही देगा

सिंगल डिजिट नंबर इज एक्चुअली कैलकुलेशन को आप समझ रहे हो लीड कहां कर रहा हूं मैं लीड कर रहा हूं सम ऑफ डिजिट समिट्स एंड डिजिट्स लीड्स टू सिंगल डिजिट नंबर वन दफ डिजिट लीड टू सिंगल डिजिट नंबर्स। इट इज निमाइंडर बाई 9 बिकॉज 9 का रिमाइंडर स्टूड यही बताता है कि एक्चुअली सम ऑफ डिजिट्स इज रिमाइंडर बाय नाइन वो नाइन का रिमाइंडर ही होता है समेशन ऑफ डिजिट्स कहीं लाइन नहीं करता है तो जब भी अगर आपके पास इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो कि वी हैव मल्टीपल सम ऑफ डिजिट्स फॉर द एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन सिंस यू डू नॉट हैव अ कैलकुलेटर परसेंट दिस इज फाइव टू पावर टू जीरो वन थ्री डिवाइड बाई नाइन शुड बी द रिमाइंडर वुड बी द आंसर जो हमने कैलकुलेट किया आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एट आई होप आपके लिए ये सही होगा कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या कुछ और ज्यादा इंट्रक्शन या क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दो बहुत कुछ बहुत अच्छे वहां पे स्टार्ट होंगे एंड बहुत बहुत सारी का अनाउंसमेंट जल्द होगा विद आई एम नॉट द कोर्स मेरा बेस्ट होगा बट वो परफेक्ट कोर्स होगा आपके प्रिपरेशन के लिए आपके लर्निंग के लिए एंड आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैसेफ मैं दे रहा हूं बेस्ट आप दो अपना बेस्ट मुझे लगता है कि ये शायद आपको समझ में आ गया होगा दिस इज वन ऑफ द डाउट सेंट बाई वन ऑफ यू इन टेलीग्राम आप मुझको डाउट अपने भेज सकते हो बाकी भी हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ मैंने बेस्ट देने का प्रॉमिस किया है आप बेस्ट दो रिजल्ट तो बेस्ट आएगा ही आएगा मिलते हैं अगले वीडियो या कुछ इंफॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे बहुत जल्द गॉड ब्लेस यू हैप्पी लर्निंग एंड बाय